लास्ट लाइव केयर ने फाइनली अपना अपडेट पेश कर दिया है एनएससी की वेबसाइट पर, वो अपडेट हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम अपडेट रीड कर लेते हैं। तो इन्होंने इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग बताया है, इन्होंने बताया है कि इनकी मीटिंग कभी कंडक्ट होगी। अब देखिए, मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं खाली आपको मीटिंग की डेट बता देता हूँ, फिर बाद में जिसको रुकना होगा वो रुक जाएगा और जिसको डिस्कशन सुनना होगा वो डिस्कशन सुन लेगा, जो डेट देखने आया था वो डेट देख के चले जाए। ये डेट है अक्टूबर 14 की, तो 14 अक्टूबर को इनकी जो मीटिंग है वो भी हेल्ड कभी होने वाली है, थर्सडे को। सो अगर ये थर्सडे की मीटिंग का रिजल्ट फ्राइडे को आ जाता है, सो हमें बहुत ही अच्छी खासी पॉजिटिविटी स्टॉक के अंदर देखने मिल सकती है। और अगर ये स्टॉक का रिजल्ट हमें फ्राइडे के दिन के बाद आते हुए देखने मिलेगा, तो दोस्तों इसके अंदर जो मंडे के अंदर तेजी आएगी वो बाकाबिले तारीफ होगी, बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। सो दोस्तों मैं तो देखूंगा कि कभी आएगी और सब लोग देखेंगे कि कभी आने वाला है इसका जो बोर्ड मीटिंग है, लेकिन जब भी आए विकास लाइफ केयर इसके अंदर से अपना रुख मोड़ सकता है। क्योंकि देखिए, बोर्ड मीटिंग में इन्होंने जितना भी एक्सपेंसेस किया है ना, सारे एक्सपेंसेस को उन्होंने इनकर करने की कोशिश की है, और इस बार ऐसा पता चल रहा है जिस तरह से विकास लाइफ केयर ने कई सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट करी है, हमें लग रहा है कि उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। उन्होंने अभी एक रिसेंटली अक्टूबर के महीने सेप्टेम्बर के महीने के अंदर ही एक जगह पर एक स्टॉक के अंदर बल्क में डीलिंग की, वो भी मैंने आपको एक शायद वीडियो पोस्ट किया था, पोस्ट नहीं किया था, टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट किया था। और अगर आप देखो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें अपडेट हो जाती है, उसके अंदर जैसे ही अब न्यूज़ आई मैंने अपडेट कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, फिर बाद में इसके अंदर अपडेट हुआ कि ये जो वीडियो आ रही है ना, अक्टूबर 14 को इनका डेट देखने मिल रहा है। जो लोगों को खाली ये छोटी सी अपडेट चाहिए रहती है, खाली एक मतलब 2 सेकंड का पढ़ना रहता है कि 14 अक्टूबर है, वो जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, टेलीग्राम चैनल, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। एक ही वीडियो फॉर्मेट में भी नहीं, खाली एक टेक्स्ट मिल जाएगा कि 14 अक्टूबर को विकास लाइफकेयर की मीटिंग है, दैट्स इट एंड नथिंग अदर देन दैट। अगर आप देखो तो इन्होंने लिखा है कि कंसिडर एंड टेक एन रिकॉर्ड, इनका जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसको रिकॉर्ड देंगे, एंड इनका जो सितंबर 30 तक जो इन्होंने अपनी ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी थी ना, तो वो भी मैंने आपको बता दिया था कि सितंबर तक इनका जो Q2 है वो ख़त्म हो गया था, एंड वो सारी चीज़ें जो ऑडिटेड ऑडिट होगा वो ऑडिट भी ये पेश करने वाले हैं। और इनका जो नॉन कोर बिजनेस है, नॉन बिजनेस असेट्स है, जो नॉन बिजनेस असेट्स जैसे कि इसकी इन्वेस्टमेंट हो गई, जैसे कि इसका लैंड हो गया, जैसे कि इसकी प्रॉपर्टी हो गई, तो वो नॉन कोर बिजनेस असेट तो वो है। एंड जो इनका कमिटी है एग्रो प्रोडक्ट्स एंड एग्रो बिजनेस की तरफ, एंड जो इसका फार्मा सेक्टर है एडविक का, एंड इनका जो बिजनेस प्रपोजल्स है इसके बारे में सारी चीज़ें डिजाइन हो जाएगी, बोर्ड मीटिंग के अंदर सारी चीज़ें डिस्कस भी हो जाएगी। अभी AGM से रिलेटेड भी हमें कई सारी अपडेट्स आते हुए देखने मिली थी, अभी ये लोग अपडेट भी करने वाले हैं, इन्वेस्ट भी करने वाले हैं, एक प्लान लेके रखा है कि इतना प्लान है पर्टिकुलर उस जगह पर इन्वेस्ट करने वाले हैं और लैंड लेने वाले हैं, एंड सर्टेनिटी है कि इनका राइट इशू आएगा या नहीं। अभी तक तो डिक्लेयर उन्होंने बस बताया है कि राइट इशू आएगा या नहीं, बस अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, तो जैसे ही डिक्लेयर होता है हम बता देंगे टेलीग्राम चैनल के जरिए। बट अगर हम देखें तो इन्होंने बताया इन अदर मैटर्स विद द परमिशन ऑफ द चेयर, तो बाकी अदर मैटर्स भी डिस्कस हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर हमें बल्क में डीलिंग जो है वो जो राइट इशू की है वो देखने मिल सकती है। राइट इशू की वजह से आपने देखा था कि इसके अंदर थोड़ी सी एक नेगेटिविटी आई थी शेयर में, एंड फ्रॉम द ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो एक साल से शेयर गिर ही रहा है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि नाउ दिस इज द राइट टाइम टू बाय। और वो राइट टाइम टू बाय क्यों है वो मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दिया था, मैंने आपको बताया था 3 पॉसिबिलिटीज़, और वो 3 पॉसिबिलिटीज़ विकास लाइफ केयर में अपडेट हो रही है। तो तीनों पॉसिबिलिटीज़ पहले फिट नहीं हो रही थी लेकिन अभी फिट हो रही है, और वो तीनों पॉसिबिलिटीज़ का आप फायदा उठा लो, तीनों इंडिकेटर्स को आप स्टडी कर लो। और मैंने वो भी वीडियो के एंड में बताया कि इस इंडिकेटर्स को किस तरह से विकास लाइफ केयर को ही नहीं, बाकी सारे जो 7000 शेयर्स है ना, सारे शेयर्स के अंदर किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो एंड मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। तो दोस्तों 14 अक्टूबर को वेट करना, हम एकदम शॉर्ट एक मैसेज अपलोड कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर और अपडेट भी कर देंगे हमारे, अगर आपको ज़्यादा बड़ा जो बोर्ड हुआ तो फिर हम अपडेट भी कर देंगे हमारे YouTube चैनल से। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे लर्निंग। अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला ही है, वरना टेलीग्राम ग्रुप से तो आप जुड़ ही जाओगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।